ये तो खुद ही गई मैं तो भी कुत्ता कर काने का अटका ई मारी तेरे बताओ थी ने फोन पे कौन था डिप्टी सीएम उसका मैंने लाके उड़ते भी गया और अड़ते भी गया तुम लोग पास था गया और थोड़े दिन पाछा नो कर देंगे लोग गया भाई गया। एक बात देखो सच्चाई सच्चाई है बहुत बड़ी भैया एयरपोर्ट तो है ना कदे कार्गो एयरपोर्ट बनना पर वो यूपी वाला बाबा ले गया जे और हम कार्गो ने तो जे कार्गो तो बन जाता तो पल्ले पल्ले थी भाई कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन वो वहां चला गया तो सरकार ने सोची इशारा है तो बंगड़ मारेंगे तारे भाई एयरपोर्ट को नहीं बनाया हम कमजोर हो तो हमने कमजोर बताओगे सच्चाई यह है कि मुख्यमंत्री ने अपनी कमजोरी बचाने खातर कहते नु कहते भाई कमजोर है कट्टर साहब अपनी कमजोरी बचाने खातर तू उठाए नाम कर दिया इंटरनेशनल बनावा तो बोले इंटरनेशनल बनाने खातर क्या करना पड़ेगा बोले पट्टी बना दो बड़ी बड़ी अरे पट्टी तो बना दियो पर को जहाज उतरेगी जब और जहाज जब उतरेगी जब को सवारी पाव है की बिना सवारी बिना जहाज के करेगी भाई इनसे कोई पूछने वाला हो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए सवारियां चाहिए जितनी भी जहाज है प्राइवेट कंपनियों की है और जब ना जहाज में सवारी नहीं मिलेगी तो कैसे आओगी भाई अरे मतलब है नहीं आने का अरे यह बात हमने कई बार उठाई भाई ये झूठ बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं लेकिन नहीं समझ में आई। मैं एक बात और बताऊंगा कि सरकार की तो मजबूरी होगी खट्टर साहब को बचाने खातिर और दुष्यंत का आगे शोध दुष्यंत बाट देखा था भाई हाँ बीजेपी वाले फंस रहे हैं तय भी फायदा उठा ले दुष्यंत ने अपने टुकड़ता खरीद ली जमीन उसका चेला ने यो मार ला अस्सी वाला रोड है पर कर किंग बन गया उड़े उड़े वो एक और बन गया जुगाड़ सा दो तीन जुगाड़ बन गए और वे सारे के सारे सिस्टम वहां बना कर जहां एयरपोर्ट हो या विदेशी लोग आते हो क्योंकि महंगा इतना 200 रुपया बर्गर हमने 20 रुपया मिले रेडी पे पता है क्यों खान जावांगे जो सारा का सारा गेम फंड भी कोनी मेरा था दुष्यंत के चुंगल में फंस गए के 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ में किले खरीदे 5-5 करोड़ के बेच गया तुरंत 5-5 करोड़ के और जब हमने पूछा रिकॉर्ड खरीदा बोला 4 दुष्यंत ले गया 12 दुष्यंत ले गया ये दुष्यंत के चेले खरीद गए पूरे का खरीद लिए लेकिन भाई साहब बात सुन लो वो तो फायदा उठावा था और बीजेपी वाले रहे थे फंसे बताओ कैसे फिर हमने सोची कौन बताओ भाई तो भाई हमने सवाल भी पूछे चिट्ठी भी लिखी एमपी को 3 बार तब एमपी ने सोची तेरा क्या अर्थ लगा साची बताओ मतलब माल को मिल जाए को इसका पता कौन था बिचारेगा घरा बिठा रहा क्या करा सांसद जो है दिखे कौन ही वो घरा बैठा था दूसरा लोकसभा में क्वेश्चन लगा दिया लोकसभा में सवाल लगा दिया कि वो इस हार में डमडमा बना है इसका क्या नाम है भाई कौन सा एयरपोर्ट है यो डोमेस्टिक है इंटरनेशनल है कौन सा बताओ भाई तो भाई ये बात सुनो उड़न मंत्री ने बोला कोई सोता है कोनी कुर्सा है कोनी बोले यो तो फस के फसता ही दुष्यंत और कूद कूद क्या बनावांगे इंटरनेशनल जैसा बनावांगे एक तो जैसा रे इंटरनेशनल रातू रात टून बदल गई और ये पेरा क्यों जोर लगा रहे प्रधान जी बताओ दे वकील साहब या बिल्कुल सब से बात है जो सारा जमीनों का खेल है मैंने सोचते 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर घूम के आओगे लोग तलवंडी वाले जमीन के बाहर नीचे पड़ जाएंगे नीचे पड़ते ही दम फिर खरीद लियो और खरीदते हो बच्चे फिर दम तारा मंत्री के रोड बना दियो गांव ने दियो उजाड़ असल मकसद तो इनका यो है रातों रात रेप बनाने का यो फार्मूला है सच्चाई है या और यो सारा का सारा गेम चल रहा है दुष्यंत चौटाला यो सारा का गेम चल रहा है तारा चौकीराम सिहाग है और के यो शुद्ध छपकली ला गया था मैंने मारना डॉक्टर कमल गुप्ता शुद्ध छपकली गणे लाचर मारे अब आज यो भी पूरी कर रहा है अच्छा यो भी नहीं रह रहा क्योंकि यो इनके सिद्धि शामिल हो रहा है इसीलिए इनका मोटा गेम है मोटी प्लान है मोटी कहानी है कि कैसे फायदा उठाया जाए कैसे लोगों को उजाड़ा जाए कैसे इनकी जमीन लूटी जाए जो तलवंडी में 3-3, 4-4 करोड़ रुपये रेट थे अरे भी ये उल्टे नीचे लाने के चक्कर में है और मेरे ख्याल में आ भी गए होंगे और ये रोड बंद करते हैं तो जम्मा आगे इब तक ये प्रशासन का एसडीएम डीसी सारे उड़ाओ है नहीं बताओ भाई तो हमने उड़े करा देवांगे या उड़े का सड़क देवांगे या सुरंग बना के देवांगे अभी तक कोई चर्चा को नहीं करी क्यों नहीं चर्चा करी अन के आका जो ऊपर बैठे है ना वो कहने लग रहे हैं तो हमने कुछ नहीं बोलना
गुंगा गुड़ खा जाइयो अस्तुत हो जाइयो नुगो तो हमने कोनी बेरा मैं डीसी तक पूछू जाके एसडीएम तक पूछू रास्ता बता भाई हमने कड़े का दोगे तेरा है कोनी अच्छा ये बिनु कहते दुष्यंत और उड़ते फोन मार दे हाँ सुरंग बना के देवांगे तो ये पांच मिनट में कहते जी सुरंग बना के देवांगे अपने घर जाओ और सारे घर उठ के चले अरे चार चार पांच पांच किलोमीटर मेट्रो नीचे का चाल दी देखी हमने तो भाई जा उरे का बना दे यो नीचे का के दिक्कत है भाई के परेशानी है अरे विदेशों में ऊपर का एयरपोर्ट है और नीचे के शहर बसा दिए लोगों ने बढ़ के तकलीफ है लेकिन सच्चाई ये है या सरकार नहीं है या प्रॉपर्टी डीलरों का एक झुंड है एक गिरोह है ठगों का एक गिरोह है जो ठगी करने के लिए इन सीटों पर बैठ गया जब सारी दुनिया को पता है कि यो इंटर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बनेगा डोमेस्टिक भी नहीं बनेगा फिर क्यों बांस दिया सारा गांव में इतनी सरकारी जमीन चली गई सेक्टर कटता तो सारा गांव का भला होता सारा का फायदा होता सारी इक्वायर करती अरीब नू भी कहा है 1,000 करोड़ रुपये लगाऊंगा बोला अरे चाचा 1,000 करोड़ रुपये स्कूला पर लगा दे हमारे बालक पढ़ जाएंगे ना विदेश में चले जाएंगे पूरे के करेंगे हम तो दिल्ली तो बैठ लेंगे दिल्ली तो बैठ लेंगे एक बात जमा खास बात है बिल्कुल सच्चाई है ये झूठी बात नहीं है कभी जबान में सांसद ने यह बात बताई एक को बोले भाई यो मामला सारा प्रॉपर्टी से जुड़ेड़ा है एक बार ये प्रॉपर्टी बेच ले हो सका है बोले ये नू कहते पुरानिया था वो ठीक है बाकी रोड सीधा दे देंगे ये भी सोच है इन लोगों की ये भी कहानी है जनता को परेशान करना इनका असल मकसद देखो लोग की बात नहीं करेंगे फिर भी मैं एक बात जरूर कहूंगा भाई आपके साथ राजनीतिक आदमी बाद में हाँ सामाजिक आदमी पहले हाँ भाई बात सुन लो मान जो है जिसे भी टूटे फूटे हैं आज आगे काल आवत है लेकिन काल काम में काम था आन नहीं पाए आज आए हैं हमेशा आवाने जब तक न्याय नहीं मिलेगा तारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे कहीं पर भी आवाज उठानी पड़ो कोई भी प्लेटफॉर्म आवाज उठाने का उसी प्लेटफॉर्म पर आवाज उठाने का काम करेंगे और ये मीडिया वाले साथी सीआईडी वाले साथी भी खड़े हैं यहाँ मैं उनको बताऊंगा एक बात है भाई तैयारी का इम्तिहान मत लियो तलवंडी का माड़ा का ये देखिए मेरी कितनी माता बहन बैठी है मैं तो उनमें कहूंगा कि अपने अधिकारियों को बता दो नहीं तो ये जो रोड पे बैठे थे रोड जाम भी कर देंगे जब नहीं मानोगे तो इनकी तैयारी का इम्तिहान मत लियो अगर इनने फैसला कर लिया तो ये सारे काम कर जाने हैं और मैं मानू हूँ कि हिसार डिस्ट्रिक्ट के प्रत्येक गांव में आप सारे चाल के लोगों ने आमंत्रित करके आवागे और फिर यहाँ 2 लाख की संख्या में भी हो जाएंगे जो प्रदान दिया और खासकर करवाया जाना है इस रूट पे तो जितने काम है ना भाई मेरे ख्याल में प्रधान जी सबको परेशानी होगी सबको परेशानी है भाई इस रूट आए तो मैं मान हूँ कि सारे के सारे आओगे बरवाड़ा तक अब जोगीराम सियाग ने एक खास बात बताना चाहूँ भाई बात सुन ले कैतौन क्या समस्या का हल करते नहीं तो तेरी साथ पीढ़ी में मिलने नहीं बनेगा आज यह आप बात कह के जाओ भाई कैतौन का समाधान कर दे और तेरी ना मानने तेरा फोन ना उठावे तो हमारी बेटे को अभी अस्तित्व मार खा के मुंह के ऊपर सोता है कि मैं नहीं अरे सोता है कि मैं नहीं साल पहले सीधे हो जाएंगे एक एमएलए अगर सरकार का अस्तित्व दे तो दिल्ली तक सुनाई देगा सारी इंटरनेशनल खबर बनेगी और खबर बनेगी तो पूछी जाओगी कि अस्तित्व क्यों देने लग रहा है अस्तित्व इसलिए दे रहा है कि तलवंडी गांव में और पूरा बरवाड़ा का हल्का परेशान है एयरपोर्ट के कारण रोड न होने के कारण इसलिए इस्तीफा दे रहा है तो मैं मान लू की खट्टर साहब तुरंत नु कहोगा अस्तित्व ना दे तू अस्तित्व ना दे रोड बनाने का काम करेंगे और आपने धूप में सड़क पर बैठना नहीं पड़ेगा एक मिनट में काम हो सका है अगर विधायक करे और नहीं करे तो भाई 12 चोर का वोट गिराइए पर इसका इलाज जरूर करिए।